नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं संकल्प राज त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूँ YourQuote प्रेजेंट्स द रियल वर्ल्ड में। एक ऐसा शो जहाँ सिनेमा पर महज बात नहीं होगी बल्कि संवाद होगा। संवाद शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परपंच और गॉसिप वाला बहुत सारा मटेरियल पहले ही ऑनलाइन अवेलेबल है, उपलब्ध है, मौजूद है। पर चिंता मत करिएगा, आपको एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी। हमारी कोशिश बस इतनी है कि गैर सरकारी गॉसिप चैनल और सरकारी ज्ञानवाड़ी चैनल के बीच में हम आपके दिलों में एक ऐसी जगह बना पाएं जहां पर आपको एंटरटेनमेंट, नॉनसेंस और वेस्ट ऑफ टाइम ना लगे, बल्कि आप ये कह सकें कि आखिर कोई तो बात होगी, कि द रियल वर्ल्ड कहीं और ना होकर सिर्फ YourQuote ऐप पर है। तो इसी उम्मीद के साथ कि पर्दे के पीछे की कुछ दिलचस्प चौचक कहानियां आपके मूड को झकास बना देंगी, और जो लोग फिल्में बनाने का शौक रखते हैं या बनाना चाहते हैं उन्हें कुछ नुस्खे, कुछ तरीके मिल जाएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं द रियल वर्ल्ड में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 साल पूरे हुए, बल्कि आज की तारीख में हमारा सिनेमा 105 साल का हो गया है। ना बुढ़ा हुआ ना मुरझाया, 105 साल का जवान हमारा सिनेमा, हिंदुस्तान का सिनेमा। पिछले 105 साल में हमने बहुत बेहतरीन फिल्में देखी हैं, एक के बाद एक बेहतरीन डायरेक्टर्स, बेहतरीन राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और तमाम टेक्नीशियंस के मेहनत की बदौलत, और ख़ास करके कि दर्शकों के अंदर जो सिनेमा के प्रति लगाव है उसकी वजह से आज हम दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बन चुके हैं। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जो है वो दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी सिनेमा सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश, जिसकी अनेकता में एकता सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है, वहाँ पर सिनेमा एक भाषा तक तो सीमित रह नहीं सकता। और इसीलिए हर साल हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्में बनती भी हैं और दर्शकों तक भी पहुँचती हैं। मगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? क्या इस पूरी कहानी की शुरुआत 6 मई 1913 को हुई, जब धुंधी राज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई? जी नहीं, उस दिन से तकरीबन एक साल पहले एक और फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था श्री पुंडलिक, और उसे बनाया था महज 22 साल की उम्र के रामचंद्र गोपाल ने। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि दादा साहब फाल्के को तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, पर रामचंद्र गोपाल का नाम कहीं नहीं सुना जाता? क्या आज की तरह उस समय भी कभी कभी लोग क्रेडिट खा जाया करते थे, या किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इतिहास के पन्नों से रामचंद्र गोपाल का नाम मिटा दिया गया? श्री पुंडलिक पहली भारतीय फिल्म थी, ये बात सच है, पर फिर भी इसे पहली भारतीय फिल्म क्यों नहीं माना जाता है? इसके पीछे कुछ वजह हैं। एक वजह यह मानी जाती है कि इस फिल्म का रन टाइम सिर्फ 22 मिनट था, जबकि राजा हरिश्चंद्र का रन टाइम 40 मिनट था। मगर ऐसे में इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पहली भारतीय फिल्म थी, और सिनेमा भारत में तो क्या, पूरी दुनिया में एक नई चीज़ थी। आखिर अमेरिका ने हमसे 21 साल पहले ही तो फिल्में बनानी शुरू की थी, और वो भी बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लेवल पर। और एक फिल्म का रन टाइम कितना होना चाहिए, इसका भी पैमाना या पैरामीटर तय नहीं हुआ था। तो अगर ऐसे में इस वजह को किनारे रख भी दिया जाए, तो भी कुछ वजहें थी जनाब जिनकी वजह से इस फिल्म को पहली भारतीय फिल्म नहीं माना जाता है। दरअसल फिल्म श्री पुंडलिक का निर्माण यानी प्रोडक्शन तो भारत में हुआ था, पर जनाब इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो ब्रिटेन में हुई थी। दूसरी वजह ये कि इस फिल्म के जो कैमरामैन थे जॉनसन साहब, वो ब्रिटेन के थे। और तीसरी वजह ये कि ये फिल्म लिखित स्क्रिप्ट पे शूट नहीं करी गई थी, बल्कि ये पुंडलिक नाम के एक मराठी प्ले की रिकॉर्डिंग थी, कैमरा रिकॉर्डिंग थी। जबकि राजा हरिश्चंद्र जो है वो शूट भी भारत में हुई, उसकी प्रोसेसिंग भी भारत में हुई, और उसका कास्ट और क्रू भी भारत का ही था। तो इन सब लिहाजों से देखा जाए तो ये वजहें बहुत वाजिब हैं कि क्यों दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। पर साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने कि रामचंद्र गोपाल यानी दादा साहब टोर ने जो बाद में उनको उपाधि दी गई, वो हिंदुस्तान में पहले फिल्म मेकर थे। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये है कि इस फिल्म में जितनी भी हीरोइंस थी ना, वो असलियत में पुरुष थे, मर्द थे जी। और वजह यह है कि आज भले ही फिल्मों को और फिल्मी दुनिया को खराब मानने वालों की तादाद बहुत कम हो गई हो, लेकिन वो समय तो ऐसा था जब फिल्मी दुनिया और फिल्मों दोनों को व्यापक रूप से भारी मात्रा में खराब माना जाता था।
पर आगे की बात करने से पहले अगर आज मैंने आपको एक सच से रूबरू नहीं कराया तो आप शायद मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। वो सच ये है कि सिनेमा के बारे में बातें करने में, उसके ग्लैमर, मज़े और अन्य एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करने में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, और वो ये है कि हिंदुस्तान का सिनेमा हिंदुस्तान की आज़ादी से भी ज़्यादा पुराना है। आज आपने गौर किया होगा कि मैंने हिंदुस्तान और भारत शब्द का प्रयोग अलग अलग किया है। जी नहीं, नमक नहीं है जो स्वाद और सुविधा अनुसार डाल लिया। दरअसल जिस फिल्मी दुनिया के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उस समय की फिल्मी दुनिया है जब भारत भारत नहीं, भारत हिंदुस्तान नहीं, भारत अखंड भारत हुआ करता था। ऐसा समय जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई और लाहौर दो जगह पे फैली हुई थी। बगल वाला घर तब बना नहीं था। मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया के सबसे खूनी बंटवारे में जब लकीर खींची गई तो उसमें कलाकारों और इंडस्ट्री को कुछ खास एक्सक्लूसिव कंसेशन तो दिए नहीं गए होंगे, तो इसलिए इंडस्ट्री भी बटी और कलाकार भी। कुछ घराने इधर चले गए, कुछ घराने उधर चले गए। कहीं कहीं तो एक ही घर के दो भाई में से एक इधर और एक उधर चला गया। ऐसे ही दो भाई थे, यूसुफ खान और नासिर खान। दोस्तों, कहानियों की शुरुआत शुरू से होनी चाहिए वरना उन्हें सुनने का मज़ा थोड़ा फीका सा पड़ जाता है। पर इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को अगले रविवार यानी अगले संडे को सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितने हो सके उतने किस्से, कहानियाँ और फिल्म बनाने के नुस्खों यानी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन स्टेजेस के बारे में आप लोगों से मैं बात कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक योरक्वोट ऐप को डाउनलोड करें और दिल खोल कर लिखें, पढ़ें और परफॉर्म करें। और अगर आपको हमारा द रियल वर्ल्ड का पहला एपिसोड पसंद आया है तो वही करें जो हम अक्सर करने में अलसी आ जाते हैं। इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर कहीं आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर तो करें ही, पर कृपा करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन बना है उसको बजा दें, जिससे कि आपको द रियल वर्ल्ड का हर एपिसोड और योरक्वोट ऐप पे आया हर वीडियो तुरंत मिल जाए। अब इतनी कहानी सुनाई है तो इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। और बाकी हाँ, यूसुफ खान और नासिर खान साहब में जो हमारे यूसुफ खान साहब है ना, वो हमारे दिलीप कुमार साहब हैं। इसके आगे की कहानी अगली बार। तब तक के लिए विदा दीजिए और जो मन में आए वो कीजिए, जिससे कि दुनिया में खुशी बरकरार रहे। नमस्कार।